फरमान से बढ़ी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कल से प्रदेश भर में बच्चों के लिए पहली से आगे की कक्षाओं के स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले कि स्कूल खुले, एक चिंता ने सभी को टेंशन में डाल दिया है। क्या है ये चिंता, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। स्कूलों की सख्ती, गुरुवार को राजेश खुला खुला नजर आएगा हिमाचल, बिल्कुल है ना। क्या तैयारियां हैं खासकर स्कूलों के नजरिए से, कहते हैं? बिल्कुल तैयारियां चल पड़ी हैं स्कूलों में। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था आज जिस तरह का माहौल प्रदेश में बना, स्कूलों को छोटे बच्चों को खोलने के लिए क्लासरूम को सैनिटाइज करने की व्यवस्था वहां होगी। सिटिंग अरेंजमेंट में स्कूल प्रशासन जुट गए। कल क्योंकि छुट्टी का माहौल रहेगा, लेकिन कुछ स्कूलों में व्यवस्था ये चलती रहेगी। जहां व्यवस्था बन नहीं पाई, बच्चों को किस तरह से लाएंगे, किस तरह से बैठेंगे, क्या एक प्लान होगा, किस योजना के तहत काम होगा, कोविड प्रोटोकॉल कहां है, कहां चांसेस लग रहे हैं कि वो ब्रेक हो सकता है सिस्टम, तो उस पे तमाम मंथन आज स्कूल प्रबंधन की ओर से किया गया है प्रदेश भर में। राजेश, बसों की व्यवस्था हो गई है? बिल्कुल हो गई है। बिल्कुल, देखिए स्कूल के लिए स्कूल बसें चलेंगे, स्कूल की टैक्सियां जितनी भी हायर की हुई हैं सब चलने वाली हैं। थोड़ा सा पिछली लहर में आप याद करिए, जब स्कूल खुल गए थे तो उस दौरान दिक्कत आई थी, 50% कैपेसिटी से ही चलेंगे, मनमाना रेट, ऑपरेटर्स बोले हम तो इतने पैसे लेंगे, है ना, बहुत मुश्किल आई थी कि कई बच्चे तो इसी वजह से स्कूल नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल हमने कल भी इस पे, लेकिन इस पर नहीं है, इस बार नहीं है, क्योंकि स्कूल बसेस भी चल रही हैं, पीली बसें सड़कों पर बिल्कुल धड़ाधड़ आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, जी, तो इसके लिए बड़ी बात है कि क्योंकि टैक्सेस माफ कर दी है सरकार की ओर से, अगर तो किराया तो ये माना जाएगा कि किराया वही होगा जो दो साल पहले होता था। बिल्कुल वही होगा, ये ऐसा उम्मीद है। अच्छा राजेश, बाकी तो आपने बता दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज और है जो हमने कल ही चर्चा की थी और कई अभिभावकों ने वो आशंका जताई थी पेरेंट्स ने जी, उनका क्या कहना था कि थोड़े से दिन बचे सर्दियों के, तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल्स की तरफ से, खासकर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ये आ जाए कि आप विंटर यूनिफॉर्म में आइए। कितने दिन बचे हैं राजेश जी? ज्यादा से ज्यादा आप ये रख लीजिए कि एक महीना, ज्यादा से ज्यादा, पर उससे ज्यादा नहीं है ना राजेश, खासकर ब्लेजर वगैरह के नजरिए से। तो बिल्कुल, तो राजेश आज ऐसा हमारे पास कई इनपुट आए और कई मैसेजेस हमारे पास है कई स्कूल्स के जो उन्होंने पेरेंट्स को फॉरवर्ड किए, क्यों राजेश क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही, देखिए बिल्कुल एक हमारे दर्शक ने एक मैसेज हमें फॉरवर्ड किया जिसमें स्कूल प्रबंधन ने सीधे तौर पे लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि गुरुवार से स्कूल खुलने जा रहे हैं तो बच्चे प्रॉपर विंटर ड्रेस में स्कूल आने चाहिए। विंटर ड्रेस में कोट भी होगा, ब्लेजर है, स्वेटर भी होगा, पैंट शर्ट तो है या टाई तो है, बिल्कुल तमाम जितना भी विंटर ड्रेस है, यानी कि विंटर ड्रेस को आप ये देख लीजिए कि नहीं होती जी। अगर स्कूल, हम बोर्ड क्लासेस की बात कर ले, आप देखिए 9 जो मार्च है वहां से एग्जामिनेशन शुरू हो, कम से कम 3000 रुपए का खर्चा राजेश लगभग है। अगर स्कूल प्रशासन को भी अब ये चाहिए कि इस तरह का कम से कम दबाव अभिभावकों के ऊपर ना बनाए, क्योंकि आप ये देखिए कि 31 मार्च के बाद तो नया सेशन प्रदेश में शुरू हो जाएगा, इस तरह का दबाव अनावश्यक ना बनाए, क्योंकि अभिभावक भी कोरोना के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जहां हर व्यक्ति के लिए की आर्थिकी सीधे तौर पे प्रभावित हुई है। जे, जे, अगर जे, स्कूल अपनी दलील दे रहे हैं कि हमने यूनिफॉर्म्स खरीदी थी, हमने बुक्स खरीदी थी, वो सीधे तौर पे लगी नहीं है, बिकी नहीं है, तो स्कूल तो यूनिफॉर्म बेच भी नहीं सकते राजेश, शायद ऐसा है गाइडलाइंस, वही कह रहे हैं हम, कुछ अभिभावकों की सोचना होगा। बिल्कुल है ना, ऐसे शायद एक तरफा थोड़ी दिक्कत हो जाए, सभी पक्षों के लिए मुद्दा ना बने कहीं।